जी हाँ, वो किसी का भाई था, किसी का बेटा था, तो किसी का पति था। कल जिस तरीके से आतंकियों ने शहीद औरंगजेब और पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की है, कई सवाल खड़े हुए हैं। और ताजा अपडेट बड़ा ये आ रहा है कि शहीद औरंगजेब की हत्या आईएसआई के इशारे पर हुई। हालांकि इसमें कुछ भी चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है कि आईएसआई ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद को औरंगजेब की हत्या की जिम्मेदारी दी थी। और सोर्सेज हमारे ये भी कह रहे हैं कि आईएसआई ने आतंकियों को जिस तरीके से मार गिराया गया था भारतीय फौज की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, उसके बाद औरंगजेब की हत्या का ये प्लान बनाया। और इस बीच एक और अपडेट आपके लिए ये कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पत्रकार बुखारी और सैनिक औरंगजेब की हत्या करने वाले आतंकियों को जल्द ही सूद समेत हिसाब देना पड़ेगा। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि सीज फायर का फैसला गलत था, क्योंकि आतंकियों को सिर्फ एक ही जवाब समझ आता है और वो है गोली। सही है, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये टेररिस्ट के साथ कोई बीच का रास्ता नहीं है, या वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, हमें जीतना है। जितनी बड़ी देश की सरकार हम चला रहे हैं तो उस हिसाब से, उस मर्यादा के साथ हमें काम करना चाहिए। मैंने तो पहले ही सरकार को भी कहा है, पहले से कह रहा हूँ, जब ये सरकार बनी थी, उन लोगों से पूछो कि ये सरकार क्यों बनाया, राम माधव से पूछो ये सरकार क्यों बनाया, क्या कामयाबी मिली, सारे अपने लोगों को निराश करके बैठे हैं। तुरंत इस गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए, नया गवर्नर ढूंढना चाहिए और फिर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट सारा कश्मीर में लागू करनी चाहिए और आर्मी को कहना चाहिए दिल्ली से कोई आपको आदेश नहीं देगा, गवर्नर देगा, उसके अनुसार आप काम करो। इतना ही है कि जहाँ भी टेररिस्ट मिलेंगे उनको गोली से मारो, यही पॉलिसी चलेगी और कोई नहीं चलेगी। मैंने ये एलटीटी के बारे करके दिखाया, जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया था, तमिलनाडु में समाप्त कर दिया था। अब तो सब भूमिगत हैं और फिर राजपक्षा उसी की नकल करके श्रीलंका में किया, वो एलटीटी ख़त्म। यानी जो 20 साल चल रही थी, दुनिया भर के डेलीगेशन आते थे और समझौता करने की बात करते थे, इसने 2 महीने में इस राजपक्ष ने सब खत्म कर दिया। टेररिस्ट का एक ही इलाज है, वो है गोली के जवाब में 10 गोली।